सदन में टी एस सिंहदेव के अनुपस्थिति में मोहम्मद अकबर कति ले जवाब दे बीजेपी हमलावर हो गई और सदन में पूछी के का टी एस सिंहदेव के इस्तीफा मंजूर हो गए। हो चुकी बात, कल बता दिया गया। आपको किसने किया? जो जो जवाब दिया अधिकृत किसने किया ये तो बताएं। और जिसने जिसको करना चाहिए उसी ने किया। हम वही गांव में मारे विधानसभा सचिवालय में कल बता दिया गया था, कल बता दिया गया था कि उन्होंने अकबर भाई को अधिकृत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल ही इस विषय में चर्चा हुई है कि उन्होंने पद से त्याग पत्र दे मैंने वो विभाग छोड़ दिया है। जब वो विभाग छोड़ दिया है तो अधिकृत कैसे कर दिया उसने? चूंकि उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए उनके तरफ से जवाब देने की जवाबदारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं, वो बताएं इस बात को कि मैंने। चलिए अभी इसमें कोई अभी नहीं हुआ, प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल के बाद ही बैठे रहेंगे। नहीं कोई गलत नहीं, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया गया। ये सदन में आप लोग पेपर में छपी हुई बातों को मुख्यमंत्री जी को स्वीकार नहीं किया आपने कहा। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जानकारी सूचना होगी ना किसी तरह की, तभी आपने कहा। मुख्यमंत्री जी बोलते इस बात को करके। माननीय अध्यक्ष जी, आप शुरू में ही आबकारी विभाग का चर्चा करवा दिए, उसका असर दिख रहा है। नहीं नहीं, महत्वपूर्ण विषय है माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वीकार इस्तीफा दे रहा है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा है और पत्र लिखने के बाद उसके विभाग का प्रश्न का उत्तर देने के लिए दूसरे मंत्री खड़े हो गए, तो दूसरे मंत्री को अधिकृत किसने किया है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा किसने किया इस्तीफा? अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत नहीं किया,